नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के समक्ष प्रदेश कार्यालय में खरगोन के भीकम गांव छेनिया विधानसभा के पूर्व कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पटेल, खरगोन युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह तोमर, विधानसभा भीकन गांव युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रतीक ठाकुर, युवक कांग्रेस भीकन गांव के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लखन सिंह मंडलोई सहित सैकड़ों सरपंच, पूर्व सरपंच और प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने सभी को भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। और दादाजी और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था, हाँ मंदिर। माने आप विचार देखिए कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़कर आ जा रहे हैं। वहां अभी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद कांग्रेस में भगदड़ क्या हाल। ये आपका ध्यान आकर्षित इस बोर्ड कर रहा था मैं, कोई सवाल आपका हो तो। सर, राम निवास रावत जी की ज्वाइनिंग को लेकर के वहां पे सोशल मीडिया पर का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन अब आप परिवार के सदस्य हैं, आपको पहली बार महसूस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री सम्मानीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आप यहाँ अभी इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे खड़े होकर के, तो इतने वरिष्ठ नेता है हमारे, फिर भी वो कैसे मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके और आप सबके स्वागत करने का अवसर दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को इस तरह से आगे बढ़ाती है। वास्तव में यह आप किसी और राजनीतिक दल में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक दल होते हैं, केवल वो राजनीति के लिए काम करते हैं, वो कभी व्यक्ति निर्माण के लिए, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए काम नहीं करते। इसलिए वहाँ फॉलोअर लगते हैं, जो उनको फॉलो करेगा, उनके पीछे चलेगा, वो उनके साथ होगा। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता बनाते हैं, एक एक कार्यकर्ता को गढ़ते हैं और उसके सुख और दुख में साथ में खड़े होते हैं। तो यह जो अंतर है, यह अंतर आप महसूस भी करेंगे और मुझे लगता है इस अंतर के साथ में आप जो काम करेंगे और ये जो कार्यकर्ता आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, कई बार मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति ज्वाइन करता है वो अलग विषय होता है, लेकिन छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसको कहते छोटे हैं लेकिन वास्तव में वो जड़ की तरह है, कोई पंच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई फेसा समिति के सदस्य हैं, कोई अपने गांव का मुखिया है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब इस विचारधारा को, इस विचार को नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति तक उसने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह काम किए हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति के जीवन का सपना था कि इस जीवन में भगवान राम का भव्य मंदिर देखना है, और नरेंद्र मोदी जी ने, सम्मानीय प्रधानमंत्री ने अपना यह सपना पूरा किया है। कई बार अभी किसी पत्रकार से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग वापस, बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोग रहे क्यों, भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों रह रहे हैं, ये समझने की बात है। आखिर कांग्रेस को छोड़ करके आने के कारण ये कि कांग्रेस में कोई क्यों रहे, ऐसा क्या बचा है कांग्रेस में? ना विचार बचा है, ना नीति बची है, ना नेता बचा है, ना समझ बची है, ना सोच बचा है, ना समर्पण बचा है। जो राजनीति के 6 अंग होना चाहिए, एक भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग पूरे अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और उनके परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह जो आज जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आप जब भी कार्यालय में आओगे, सबसे पहले मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है, मैं कार्यालय में पूरे समय रहता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।